हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सी शॉक के वॉच में टाइम सेट करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास सी शॉक की वॉच है और आपको टाइम सेट करना नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपके पास सी शॉक की वॉच है। तो चलिए दोस्तों, आपको टाइम, डे, डे मंथ सब कुछ सेट करना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बताते हैं कि आपको टाइम को कैसे सेट करना है। तो दोस्तों, टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मोड वाले बटन को 1, 2, 3 बार दबा देना रहेगा। दोस्तों, जब 3 बार दबाएंगे तो हमारा जो सेकंड वाला है वो ब्लिंक करने लगेगा। जब सेकंड वाला ब्लिंक करने लगेगा तो आप समझ जाना कि हमारा टाइम सेट करने का टाइम आ गया। उसके बाद आपको एक बार रीसेट वाले को क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब आप रीसेट वाले को दबा देंगे एक बार तो जो हमारा मिनट वाला है ब्लिंक करने लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मिनट वाला ब्लिंक करना है, 8:10 हो रहे हैं और हमारा जो है कि मिनट वाला ब्लिंक कर रहा है। जब हमारा मिनट वाला बिलिंग करने लगे उसके बाद हम जाएंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट की मदद से इसको हम कर लेंगे अपने हिसाब से सेट। जैसे कि अभी हो रहा है 10:25 हो रहे हैं, 25 हमने सेट कर लिया। अब हमारे को 8 सेट करना है, यहाँ पे हमारे को 10:25 हो रहा है तो यहाँ पे 10 सेट करना है। तो 10 सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार रीसेट को दबा देंगे। दोस्तों, जब एक बार रीसेट को दबाएंगे तो हमारा जो घंटे वाला है वो बिलिंग होने लगेगा। उसके बाद हम स्टार्ट की मदद से इसको कर लेंगे 10। दोस्तों, हमने 10 कर लिया, ठीक है, 10:25। उसके बाद एक बार और रीसेट को दबाएंगे। दोस्तों, हमारा ये जो बिलिंग हो रहा है ये हमारा महीना है, ठीक है, हमारा 9वां महीना चल रहा है, अब 15 तारीख है तो हम अपने हिसाब से इसको कर लेंगे सेट, ठीक है। जैसा कि आज हमारा है 9वां महीना ही चल रहा है, ठीक है, हमने कर लिया सेट। उसके बाद रीसेट को एक बार और दबाएंगे तो हमारा जो तारीख वाला है वो ब्लिंक करने लगेगा। दोस्तों, अभी तो 15 तारीख ही हो रहे हैं, मैं आपको फिर से 15 तारीख करके दिखाता हूँ। तो अपने हिसाब से आप सेट कर लेना, जो भी तारीख हो अपने हिसाब से उसको आप मेंटेन कर लेना। उसके बाद एक बार रीसेट को और दबाएंगे। दोस्तों, ऊपर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा वो है दिन, जैसे कि वेडनेसडे, ठीक है, हमारा थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जो भी हो हमें अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने अभी क्या किया, वेडनेसडे पे क्लिक कर दिया, तो हमारा वेडनेसडे भी छोड़ देते हैं। उसके बाद सब कुछ करने के बाद हमारे को लास्ट में क्या करना है, लास्ट हमारे को मोड वाले बटन को इसको एक बार बस दबा देना है। दोस्तों, जब एक बार दबाएंगे तो हमारा सब कुछ सेट हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 10:26, 9वां महीना, 15 तारीख और ऊपर वेडनेसडे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।